विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैनादेवी में माता सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम नैनादेवी पड़ा। प्राचीन काल में जब राजा दक्ष प्रजापति के महायज्ञ का आयोजन करवाया, माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की हटकी तो शंकर भगवान ने माता सती से कहा कि बिना बुलाए किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता सती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उनके पिता इतना बड़ा महायज्ञ करवा रहे हैं और वह इस महायज्ञ में जरूर जाएंगी। माता सती जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए कोई भी स्थान नहीं है, तो उसने काफी अपमानित महसूस किया और माता सती दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में कूद गई। जब शिव भगवान को पता चला तो शिव भगवान ने प्रचंड रूप धारण करके जब वहां पहुंचे तो माता के अध जले शरीर को अपने त्रिशूल पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे, और जहां जहां पर भी माता के अंग गिरते गए वहां वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना होती गई। माता नैना देवी में माता के नेत्र यानी कि नयन गिरे, इसीलिए इस तीर्थ स्थल का नाम नैना देवी पड़ा। ज्वालाजी में माता की जीभ, चिंतपूर्णी में माता के चरण और कांगड़ा में माता की धड़ गिरा था, इस कारण इन शक्तिपीठों की स्थापना हुई और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के शक्तिपीठों पर जाकर नवरात्रि पूजन करके अपने घर परिवार के लिए सुख शांति की कामना करते हैं। माता नैना देवी में जहाँ पर श्रद्धालुओं के नेत्रों की ज्योति ठीक होती है, वहीं चक्षु रोग किसी भी प्रकार का हो सब ठीक हो जाते हैं और श्रद्धालु मनौती के रूप में यहाँ पर चांदी के और सोने के नेत्र चढ़ाते हैं। नवरात्रों के दौरान भी काफी संख्या में श्रद्धालु माता जी के दरबार में पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रमुख 52 शक्ति पीठों में से एक सिद्ध और शक्ति पीठ माता श्री नैना देवी के नाम से विख्यात है। दक्ष प्रजापति जी ने ऐसा कहा जाता है कि जब यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में भगवान शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस कारण माता सती हठ धर्मी करके यह अग्नि में प्रवेश कर गई, और जब भगवान शिव शंकर त्रिशूल से माता जी के शरीर को उठाते हुए ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे तो माता जी के नैन इस स्थान पर गिरे, जिसके कारण माता का नाम नैना देवी पड़ा। यहाँ किसी प्रकार का दुख दरिद्र हो, सब जन नेत्रों का कष्ट हो, किसी प्रकार की आदि व्याधि हो, जगजननी माँ नैना देवी के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से यह समाप्त हो जाती है और प्रत्येक प्राणी सुख और समृद्धि लेकर यहाँ से जाता है। वीरे जी आए बलाचौर तो पिंड चाला, तो असी नैना देवी माता दे मत्था टेकना आए सी, सानू बहुत वधिया लग्या, इतों अरेजमेंट देख के बहुत ज़्यादा वधिया लग्या, तो मत्था टेकण च बहुत आसानी है, तो खुले दर्शन हो। ठीक है जी, जय माता दी।